को मैं रांची वासियों के लिए फूड फेस्टिवल का शुभारंभ कर रहे हैं, जिसका नाम रखा हमने जश्न अवध। जो कुजीन होगा वो हमारा अवधी कुजीन है, और इसके लिए हमने स्पेशली शेफ रमेश को लखनऊ से यहाँ बुलाया है। वो हमारे साथ यहाँ हमारे साथ 10 दिन रहेंगे, और जो ऑथेंटिक टेस्ट होता है, ऑथेंटिक कुजीन होता है, अवधी कुजीन जो होता है, उसका ऑथेंटिक टेस्ट, ऑथेंटिक क्वालिटी जो होती है फूड की, उसको प्रेजेंट करेंगे। हम चाहेंगे कि हमारे रांचीवासी, हमारे रांची के लोग हमारे यहाँ आए और इस अवधी कुजीन का आनंद लें, इंजॉय करें, और हमारे शेफ रमेश के साथ अगर इंटरेक्ट करके वो अपना कुछ बनवाना चाहें, अपने तरीके से कुछ खाना पीना चाहें अवधी स्टाइल में, हम उसके लिए भी शेफ रमेश हमारे उनसे मिलके उसकी तैयारी करा के उनको खिलाएंगे और उनको टेस्ट कराएंगे। और हमें पूरी उम्मीद है कि रांची वासियों को इस अवधी कुजीन का बहुत ही आनंद आएगा, और ये उनके लिए बहुत ही विश्व इंटरेस्टिंग और उसको क्या कह सकते हैं कि लॉन्ग लास्टिंग एक इमेज क्रिएट करेगा कि रांची में हमें अवधी कुजीन का मजा आया, और जिसके लिए हमें लखनऊ जाने की जरूरत नहीं है, हम रांची में ही पा सकते हैं। आगे मैं अपने शेफ रमेश से कहूंगा, इसके बारे में आपको डिटेल से बताएंगे क्या क्या बना रहे हैं, क्या क्या नहीं बना रहे हैं। रमेश शेफ प्लीज। जी, लखनऊ में नवाब लोग हमारे फिलहाल लखनऊ के नवाब पूरा दूसरे तरह के हैं, दिल्ली या उसके जरा भी रहते हैं, तो हमारा एक किस्म खाना का एकदम फिल्टर, जिसमें ऑर्गेनिक तरीके से मसाले रहते हैं, कोई हमारा पैकेट का या मार्केट के मार्केट का हम यूज नहीं करते, प्रॉपर दम में लगा के उसको हम एकदम बिल्कुल फिल्टर करके, कोई भी चीज़ भी मुँह में न लगे। इस तरह से इत्र का प्रयोग करते हैं, जितने सेफ्रॉन हुआ उसको प्रयोग करते हैं, जितने ऑर्गेनिक तरीके मसाले होते हैं वो टोटल हम लोग अपने हाथों से बना के लखनऊ में तैयार किया जाता है। दो चार मसाले ऐसे हैं बाहर कहीं नहीं मिल सकता है, तो हम उसको अपने साथ में लेके कि यहाँ के लोगों को थोड़ा लखनऊ का टेस्ट, जायका उनको जो है लखनऊ की तरह लखनऊ जाना ना पड़े, तो उस तरह से मैं यहाँ के बासिंदाओं या यहाँ के लोगों को मैं प्रेजेंटेशन करने आया हूँ। जैसे गलावट हो गया है, ठीक है, उसके बाद नूरे चमन हो गया है, ठीक है, नली नहरी हो गई है, नूरे चमन, ये नूर का मतलब होता है रात मतलब, और चमन मतलब होता है उजाला, ठीक है, पालक पनीर, उसका बनाने का तरीका मसाला से फ्लेवर आता है, कोई चीज़ भी हम खाएंगे यहाँ के मिर्चा मसाला अलग लगेगा, इसमें स्वीट टेस्ट भी रहेगा, मिर्चे भी रहेंगे, मसाले भी रहेंगे, लेकिन ऑर्गेनिक मसाला रहेगा, आपको कुछ मुँह में नली नहरी है, कबाब है, बिरयानी है, खास खबर बिरयानी है, यखनी है, एटनी शोरबा है, दाल भुटी की शोरबा है। सावन में 2 महीने लोग बाग जो होते हैं, जो हमारा जो ट्रेडिशन है हिंदुस्तान का, लोग अवॉइड करते हैं नॉन वेजिटेरियन आइटम्स को, तो हमारा मेन फोकस ये था कि 2 महीने के इंतजार के बाद डेफिनेटली रांची वासियों को कुछ अलग से दिया जाए, कुछ अलग सा प्रेजेंट किया जाए, जो एक अनूठा हो, अलग से हो, अनूठा हो, जो कि रांची में रेगुलर मान मिलता है। तो हमने सोचा कि क्यों ना हम अवधी कुजीन को करते हैं। अवध लखनवी हमारा झारखंड से सटा हुआ प्रदेश है, और एक वो कह सकते हैं आप तहजीब की जगह है लखनऊ, तो उस तहजीब खाने को, उस खाने के टेस्ट में इसलिए हमने लखनऊ से शेफ बुलाए। मसाले जो हमारे हैं वो भी लखनऊ से शेफ अपने साथ लेके आए हैं, जो कि हैंडमेड मसाले हैं, वो बाज़ार में नहीं मिलते, तो इस वजह से हमने ये लखनऊ फेस्टिवल किया कि लोगों को एक अलग सा खाना दिया जाए। यहाँ तो रोज लोकल रेस्टोरेंट्स हैं, बहुत सारे आउटलेट्स हैं जिसमें लोग जाते होंगे, लेकिन अलग तरह का खाना जो लखनवी अवधि खाना है उसको देने के लिए हमने ये स्पेशली सावन के बाद का टाइम चुना। अच्छा, 10 दिन दिख रहा है, 10 दिवसीय है, तो हर दिन अलग अलग मेन्यू होगा या फिर एक ही जैसा मेन्यू? हर दिन मेन्यू अलग है, हम इसीलिए बूफे पे नहीं जा रहे, हम अलग कार्ड पे जा रहे हैं,
ऑप्शंस इतने हैं कि लोग अगर हर 10 दिन में भी अगर 4 बार आएंगे तो 4 नई चीज खा सकते हैं, 5 बार आएंगे तो 5 नई चीज खा सकते हैं। इसलिए हमने अलाकार्ट पे रखा, हम बुफे नहीं रख रहे हैं। ये लंच और डिनर 2 टाइम पे है। लंच जो है 12:30 बजे से 3:30 बजे तक का टेन्योर है, और डिनर में हम 7:30 बजे से 10:30 बजे तक का है। दोनों टेन्योर में होगा, लंच में भी है और डिनर में भी। इस भी आता है, और जो अवेलेबल आइटम है जैसे बिरयानी बन सकती है तो हम बिरयानी वगैरह बीच में भी सर्व कर सकते हैं। रेट बहुत ही रीजनेबल है और बहुत ही जेन्युइन प्राइस है। रांची को बेस करके और फेस्टिवल को बेस करके बहुत ही मॉडरेट रेट रखा गया है। रेट बहुत हाई नहीं है, बहुत ही मॉडरेट रेट है, जो हर किसी के रीच में हो, हर किसी के अप्रोच में हो। ऐसा नहीं है, ये अलाकार्ट है, आइटम वाइज रेट है, तो अकॉर्डिंगली लोग ऑर्डर कर सकते हैं। वेज और नॉन वेज दोनों के बहुत सारे ऑप्शन हैं, कबाब में, मेन कोर्स में, डेजर्ट में, बिरयानी में, हर ऑप्शन है।